सिर्फ 15 दिन में आपके हेयर्स की जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी। बिल्कुल सही, आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना है, और मैं यही सच बोल रही हूँ कि 15 दिन में आपकी हेयर की ग्रोथ डबल हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप उसे आप ट्राई करती हो तो सीरियसली आप मुझे थैंक्स बोलना बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हे डियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुसुमांजलि हेल्थ ब्यूटी टिप्स, और मैं हूँ आपकी दोस्त कुसुम राजपूत। दोस्तों, हेयर फॉल को लेके, हेयर्स की ग्रोथ को लेके, और बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, उनको लेके बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं इस बात को बेहतर तरीके से समझती हूँ। और फिर हमारे देश में जो मौसम है वो हमेशा लगातार चेंज होता रहता है, सर्दी गर्मी बारिश, तो इस मौसम में हमारी बॉडी को ढलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस रीजंस की वजह से भी कभी कभी हेयर फॉल होने लगता है, खास तौर से बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखा गया है। सो अगर हेयर फॉल से परेशान हो, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल काले नहीं है, सिल्की शाइनी खूबसूरत नहीं है, तो ये वीडियो खासतौर से आप ही के लिए। तो लाइक तो कर ही सकते हो, सो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए। किया मुझे बताया आपने, जरूर किया हो, सो थैंक यू सो मच। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम अपने उस रेमेडी के बारे में जिसे मैं बताने वाली हूँ। बहुत अमेजिंग रेमेडी है और उसे आप ट्राई जरूर करना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेथी के दाने हर इंडियन किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। मेथी के जो दाने होते हैं वो, जैसे कि मेरी किचन में अवेलेबल हैं ये, सो हम इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये सारे जो मेथी के सीड्स हैं इस बाउल में ऐड कर देने हैं। इस बाउल में पानी है और मैं इस पानी में इन सारे सीड्स को ऐड कर दूंगी। अब हम इसे छोड़ देंगे करीबन 12 घंटे के लिए, 12 से 15 घंटे के लिए। अभी शाम का टाइम है तो मैं इसे सुबह जब ये फूल जाएगी अच्छे से तब इसका फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लूँगी। हम इन्हें अच्छे से भीगने देंगे सुबह तक, बिल्कुल जब अच्छे से फूल जाएंगे, और उसके बाद इनको अच्छे से वॉश करके और इनका पेस्ट बनाएंगे। सो करीब 15 घंटे बाद मैंने अपने जो मेथी के सीड्स थे उनको पीस करके मिक्सी में एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है, और यही आपको अप्लाई करने हैं। मेथी के सीड्स के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो कि बहुत ही लाजवाब होते हैं, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट रेडी कर लिया है। ये ऐसा मत सोचना कि ये मतलब येलो सा क्यों है, कहीं इसमें टर्मरिक तो मिक्स नहीं है। जी नहीं, ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट है और बहुत ही स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है। अब आपको करना क्या है, इसमें जो नेक्स्ट चीज़ यूज़ करनी है वो है एलोवेरा। बट आई रिकमेंड आप नेचुरली ही यूज़ करें, क्योंकि जो इसके बेनिफिट हैं वो इसके नहीं हो सकते, क्योंकि ये 100% प्योर है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप यही यूज़ करें। यूज़ कैसे करना है चलिए बताते हैं। सो मैं इस पेस्ट में मिक्स करने के लिए यहाँ पर एलोवेरा लीफ का यूज कर रही हूँ। कैसे करेंगे चलो। सो मैं यहाँ पे इस लीफ को थोड़ा सा कट कर लूंगी और करीबन 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें से जेल निकालूंगी। तो जस्ट आप देख सकते हैं, अब हम इसको यहाँ से बीच से कट कर लेंगे और ये जो जेल इसमें से निकलेगा आप देख सकते हो, ये जो जेल है ये जो निकलेगा हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये जेल निकाल लिया है इसका, इस तरह से ये जेल आपको ले लेना है, ये आप देख सकते हो। और इन्हीं सारे जेल को हम इसमें मिक्स करेंगे इस तरह से, ठीक है। आप जितना चाहो 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून जितना चाहो ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कितना भी आप कर लो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके हेयर्स के लिए। सो मैं यहाँ पे काफ़ी सारा यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे ये जेल मिक्स किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसके जो पीसेस हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं एक वाइट टी कैप्सूल इसमें मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास ना हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये दो चीज़ मिला के भी आप कर सकते हो, है तो बहुत अच्छी बात है और इसे आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली में इसका जो कलर है वो थोड़ा येलो सा आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि जो मेथी सीड्स थे उनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, तो उनका जो बाल का पार्ट था वो ब्लैकनेस थोड़ी चली गई थी और वो येलो येलो रह गया, तो इसलिए ये येलो दिख रहा है। इसको आपको यूज़ करना है सीरियसली, 15 दिन में आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू होगी और डबल होगी।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि मेरे बाल कमर तक हैं तो फिर घुटनों से नीचे हो जाएंगे, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि अगर आपके एक दिन में 10 बाल निकलते हैं तो आपके 20 बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, अगर आपके 20 बाल निकलते हैं तो 40 शुरू हो जाएंगे। ये बात 100% सच है, बिल्कुल भी छूट नहीं है, आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। वीक में 3 बार आप इसे यूज करना, उसके बाद जब आपको इसका वैसे तो फर्स्ट टाइम में आपको रिजल्ट दिखना चाहिए, 1 वीक में आपको इसके रिजल्ट अच्छे से दिख जाएंगे, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मंथ में एक बार इसको जरूर अप्लाई करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसके, और हेयर फॉल इससे बहुत जल्दी स्टॉप होता है। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से मेरे भी कुछ बाल झड़ना शुरू हुए हैं, जस्ट मैं इसी को ट्राई करने वाली हूँ, मैंने बनाया है तो सारा कुछ लगाऊंगी, और इसी तरह से आप भी इसको यूज कर सकते हैं। मेथी के जो सीड्स होते हैं उनके जो फायदे हैं स्किन के लिए ही नहीं बल्कि आपके हेयर्स के लिए, आप इसे अपने आईब्रोज पे लगा सकते हो, आईलैशेस पे लगा सकते हो। इसके अलावा अगर इसको खाया जाए जैसे कि मेथी के लड्डू, वैसे तो कड़वाहट होती है मेथी में तो इतना ईजी नहीं होता है इसको खाना, बट इसे कोई खाता है तो जॉइंट्स का जो पेन होता है वो चला जाता है, बैक में पेन होता है वो चला जाता है। बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट हैं जो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही लाजवाब हैं। सो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे, और वापस आके इसे ट्राई करके कमेंट जरूर करके जाना वीडियो के नीचे, इससे मुझे बहुत खुशी होगी कि किसी को मेरी वीडियो से हेल्प मिली। और दूसरी बात ये कि आप लोग हमेशा लाइक करना भूल जाते हो तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।